दोस्तों मेरे पास YouTube से लेके Instagram तक ऐसे कई कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे जिसमें मेरे से बोला जा रहा था कि सर परफेक्ट कैप्सूल पर वीडियो बनाइए, परफेक्ट कैप्सूल का रिव्यू दीजिए, क्योंकि बहुत लोग बता रहे हैं कि ये अच्छा प्रोडक्ट है। क्या ये सच में अच्छा प्रोडक्ट है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को परफेक्ट कैप्सूल के बारे में ही बताऊंगा कि परफेक्ट कैप्सूल कैसे लेना होता है, किसे नहीं लेना चाहिए, कितने दिनों का इसका कोर्स है, कितने दिनों में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है और किन्हें ये दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या ये किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाती है, अगर नुकसान पहुंचाती है तो किस हद तक नुकसान ये पहुंचा सकती है। ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। परफेक्ट कैप्सूल एक बहुत ही लोकप्रिय आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनकी भूख को बढ़ाने के लिए और जिनका वजन बिल्कुल भी गेन नहीं हो रहा है उनके वजन को गेन करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। यह एक बॉक्स की पैकिंग में आता है और इस बॉक्स में लगभग 6 स्ट्रिप होते हैं और इसके एक स्ट्रिप में लगभग 10 कैप्सूल होते हैं। टोटल इसमें 60 कैप्सूल आते हैं और इस 60 कैप्सूल का जो प्राइस है वो है 192 रुपये, यानी 192 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है देव फार्मेसी और कॉम्पोजिशन, यानी किन किन चीज़ों से ये मिल के बना हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता है सौंठ, इसमें होता है शतावरी, इसमें होता है आंवला, इसमें होता है अश्वगंधा, इसके अंदर होता है अर्जुन छाल, इसमें होता है मुसली, इसमें होता है कुटजा और इसमें होता है चित्रक और भी कई जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दवा क्या सच में फ़ायदा करती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी हाँ ये फ़ायदा करती है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनकी भूख को ये बढ़ा देता है और जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है उनका वजन भी बढ़ने लगता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा उनके गाल बहुत ज़्यादा पिचके होते हैं, तो जिन लोगों के गाल पिचके हैं वो तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, उनके गाल धीरे धीरे भर जाएंगे और उनके चेहरे पे एक अलग रौनक आएगी। बहुत लोगों के शरीर में स्टेमिना की कमी होती है कमजोरी की वजह से, तो स्टेमिना बढ़ने लगेगा, कमजोरी दूर हो जाएगी, शरीर में भरपूर एनर्जी रहेगी। आप जब इसे खाना शुरू करोगे तो आपको खुद इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सच है कि ये जो है कि आपको फ़ायदा करेगा। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, हो सकता है रिप्लाई करने में देरी हो जाए लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। चलिए अब जान लेते हैं कि इसे लेना कैसे होता है। दोस्तों इसे लेना बहुत ही ईजी है, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना होता है। अब ये जान लेते हैं किसे नहीं लेना चाहिए। 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दवा नहीं है और जो महिला गर्भवती हैं वो भी इस दवा का इस्तेमाल ना करें, और जो महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं वो भी इस दवा का इस्तेमाल ना करें। अगर ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। चलिए आप जानते हैं कि ये जो दवा है वो कितने दिनों में अपना असर दिखाना शुरू करती है। दोस्तों इस दवा का जो असर है वो आपको 15 दिन के अंदर दिखाई देगा। 15 दिन में आप खुद महसूस कर पाओगे कि आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है, आपकी भूख में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब ये कितने महीनों तक यूज़ करना होता है? दोस्तों इसे 2 से 3 महीना कंटिन्यू यूज़ करना ही करना है, सबसे ज़रूरी है ये। अगर आप इतने दिन यूज़ कर लेते हो तो आपका वज़न बहुत अच्छी तरीके से गेन हो जाएगा। अब समस्या आती है कि इसे छोड़ना कैसे होता है, यानी कि इसे बंद कैसे करें। दोस्तों बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे बंद करना है वो भी बहुत ज़रूरी है जानना। आप एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को आप खा रहे थे, 3 महीना ऐसे खाइए, उसके बाद आपको एक कैप्सूल पर डे कर देना है। आप एक समय बना लीजिएगा चाहे सुबह का चाहे रात का, उस समय पे एक कैप्सूल लेना है आपको कम से कम 15-20 दिन तक। उसके बाद आपको एक दिन छोड़ के एक कैप्सूल खाना है, जैसे सपोज करिए आज आपने खा लिया कल नहीं खाना है परसों खा लो, इस तरीके से करके धीरे धीरे 2 दिन का गैप, फिर 3 दिन का गैप, फिर धीरे धीरे बंद कर दें। अब जान लेते हैं कि ये कितना नुकसान पहुँचाता है। दोस्तों ये नुकसान उतना नहीं करता है क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवा है और आयुर्वेदिक दवा इतना नुकसान नहीं करती है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत लगती है तो आप इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, गुड बाय।